चलिए हम ले रहे हैं ये सूजी एक कटोरी, और मैं थोड़ा सा और सूजी लूँगी, इसमें डेढ़ कटोरी करीबन। ये है फली, ये टमाटर, एक बड़ा टमाटर मैंने कट कर लिया है, ये प्याज, गाजर और थोड़ा सा उड़द दाल, थोड़ा सा जीरा, और ये दो तीन हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से, और ये लहसुन की कलियां हैं, और ये है अदरक, इसको क्रश करके डालूंगी मैं छील के। कढ़ाई चढ़ा दिया, ये गरम हो गया है। चलिए हम लोग डालते हैं सूजी को, पहले इसको रोस्ट करेंगे। ये एक कटोरी से थोड़ा कम और सूजी ली हूँ, इसको रोस्ट करते हैं। चलिए इसको रोस्ट करते हैं हम लोग। चलिए हम दो चीज़ और ऐड करते हैं, ये फ्रोज़न मटर है अभी मैंने मंगाया है, और थोड़ा सा नारियल का चूरा, चाहे तो आप नारियल को प्रेस करके भी डाल सकते हैं। ये हमारा सूजी रोस्ट हो गया है, चलिए इसको निकाल देते हैं बर्तन में। एक चम्मच ऑयल डालेंगे, उसके बाद फली को हम लोग रोस्ट कर लेंगे। चलिए हमारी फली फ्राई हो गई है, अब इसको हम लोग निकाल देते हैं। दो बड़े चम्मच ऑयल लिए हैं, अब मैं जीरा डाल देती हूँ इसमें, ये उड़द की दाल डाल दूंगी, ये थोड़ा सा मैंने चना की दाल भिगा के रखी थी, हरी मिर्च, अदरक लहसुन को क्रश करके, तो थोड़ा सा भूनने देते हैं। मैंने तेल इसमें एक बड़े चम्मच लिए हैं, अब इसमें गाजर, प्याज, ये मीठा नीम की पत्ती डाल देते हैं थोड़ा सा, पकने देते हैं। मटर भी डाल देते हैं, सब्जियां पकने देते हैं, इसमें मटर भी हम लोग ऐड कर देते हैं। इसमें टेस्ट के हिसाब से हम नमक डाल देते हैं। चलिए सब्जियाँ पकने देते हैं, थोड़ा ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए। देखिए हमारी सब्जी थोड़ा सा फ्राई हो गई है, अब हम लोग इसमें पानी डालते हैं। जिस कटोरी में हम सूजी लिए हैं उसी में मेजर करके नाप के डबल डालेंगे पानी। देखिए मैंने 2 कटोरी सूजी लिया था, इसलिए 4 कटोरी इसमें डाली हूँ पानी। चलिए इसमें बॉईल होने देते हैं, ढक के छोड़ देते हैं। टेस्ट के हिसाब से और थोड़ा नमक ऐड कर सकते हैं इसमें। ये नारियल का जो चूरा है उसको मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, ताकि ये भी बॉईल हो जाए, इसमें फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चलिए बॉईल होने देते हैं इसको। देखिए ये बॉईल हो गया है, चलिए हम लोग सूजी को थोड़ा थोड़ा डालते हैं। गैस का फ्लेम मैंने कम कर दिया था, बढ़ाती हूँ। ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग डालते जाएंगे सारी सूजी को, ताकि लम्स ना पड़े। सूजी बहुत जल्दी पानी सूखता है, देखिए 2 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। देखिए ये हमारा उपमा तैयार हो गया है। चलिए इसमें हम लोग जो फली रोस्ट किए थे उसको ऐड कर देते हैं।
मिक्स कर देते हैं। हमारा उपमा तैयार हो गया है। देखिए ये वीडियो और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप भी अपने घर में ये उपमा बनाइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत टेस्टी है, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा है, एकदम पानी भी नहीं दिख रहा है, भर भरा जैसा बना है। और मेरा वीडियो शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप देख सकें।